नमस्कार, जय जोहार। 28 दिसंबर के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला है किस प्रकार से मनाया गया 28 दिसंबर का उत्सव डिप्टी सिंगल नागपुर में। तो घासीदास बाबा का नाम लेके चले शुरू करते हैं। बोल गुरु घासीदास बाबा की। Let's go. तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं नव युवक सतनामी समाज जन जागृति मंडल को। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जिस स्तंभ के चारों ओर काफी सुंदर डेकोरेट किया गया है। जैसे कि आप देखो, उस स्तंभ के अंदर भी काफी अच्छे से डेकोरेशन किया गया, जो कि गेंदा फूल और गुलाब फूल का उपयोग किया गया। और इसके साथ ही यह स्तंभ से जुड़ी कुछ जानकारी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए चलते सकर करवाणी के भवन की ओर और देखते हैं वहाँ पे किस प्रकार से डेकोरेशन किया गया है। तो भवन के अंदर जाते ही हमें सबसे पहले दिखता है फूलों से बनाया हुआ स्तंभ, और साथ ही उसके नीचे दियो को कुछ इस प्रकार से रखा गया है, जो कि जय सतनाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप कलश देख सकते हो, जो कि बच्चे और महिलाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। और इस भवन के अंदर आप संत कुशघासदास बाबा और उनके साथ दाई और बालक दास और बाई और अमरदास की तस्वीर को देख सकते हो। तो इनके साथ ही आप कुछ डेकोरेशन देख सकते हो। तो हमने ई रिक्शा लिया और माइक के मदद से लोगों को हमने बताया। तो हमने पूरे एरिया का एक बार अच्छे से विजिट किया और यहाँ पे पूजाराम वाड़ी को भी देख सकते हो किस प्रकार से डेकोरेशन किया गया है। और उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर भी कलश और बाकी चीजों की तैयारी की जा रही है। तो चलिए अभी बढ़ते शोभा यात्रा की ओर, किस प्रकार से मनाया गया, और उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Thank you.
मुझे आशा है कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।